आप सभी को दिल्ली वाली आंटी का नमस्कार। आज हम बिल्कुल अलग तरीके के पुलाव बनाने जा रहे हैं, जो कि आप दाल के साथ, राजमे के साथ, छोलों के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। आइए हम बताते हैं चावलों में क्या क्या सामान यूज हुआ। ये हमने 2 गिलास पानी लिया है, ये आधी कटोरी चावल लिए हैं, 50 ग्राम पनीर है और 1/4 कटोरी हमारी मटर है, 8-10 काजू हैं, 3-4 पत्ते ये तेज़पात के हैं, 2 बड़ी इलायची और ये हमारी 5-6 लौंग हैं, 2-3 टुकड़े हमारे दालचीनी के हैं, 1/2 चम्मच जीरा है और ये 7-8 काली मिर्चें हैं और 1.5 चम्मच हमारा देसी घी है। अब हमने पैन रख दिया है और गैस तेज़ कर दी है। अब इसके अंदर हमने जो पानी था 2 गिलास वो हम इसके अंदर डाल रहे हैं। पानी डालने के बाद आप ये मटर जो है हमारी 1/4 कटोरी ये हम इसके अंदर डाल देते हैं। अब इसको ढककर हम उबाल लेते हैं। इतना हमारी मटर उबल रही है। मैं आपको बता देती हूँ कि हमने 1/2 घंटे पहले चावल भिगो दिए थे, आप भी इस तरह से ही 1/2 घंटे पहले चावल भिगो लें। 2 मिनट हो गए हैं, हमारा पानी उबल गया है। दूसरी तरफ हम चावलों का ये पानी, एक्स्ट्रा पानी निकाल देते हैं और ये चावल हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। ये चावल हमने इसके अंदर ऐड करने के बाद अब इसको हम चला देते हैं, बिल्कुल आराम से चलाएं जिससे हमारे चावल टूटे ना, और फिर हम इसको 2 मिनट के लिए ढक देते हैं। गैस को आप धीमी ही रखें। हमने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर हमने छलनी रख दी है चावल पसाने के लिए। हम चावल छानेंगे इसके अंदर, ये हम एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकाल देंगे इस तरह से करके। हमने चावलों में से पानी निकाल दिया है और अब ये चावल हम इसके अंदर डाल देते हैं। चावल हल्के से कच्चे रखे हैं क्योंकि ये भाप में गल जाते हैं, तो इसलिए अब हम इनको ढक देते हैं। अब हम दूसरी तैयारी, आगे की तैयारी करते हैं। इसको हमने ढक दिया है, आगे की तैयारी हम शुरू करते हैं। अब हमने एक पैन रख दिया हो और गैस हमने धीमी रखी है। अब इसके अंदर अब ये हम देसी घी जो है ये डाल देते हैं। हमारा घी गर्म हो गया है, अब इसके अंदर हम पहले जीरा डालते हैं और थोड़ा सा हल्का सा जीरा भूनने के बाद हम ये लौंग डालते हैं और ये हमारी जो काली मिर्चें हैं ये भी डाल देते हैं। ये हमारा दालचीनी का टुकड़े जो है ये भी डाल देते हैं, बड़ी इलायची, ये तेजपात के पत्ते, सबको डाल के हम भून लेते हैं। अब हमारे ये भून चुके हैं, अब हम गैस बंद कर देते हैं और गैस बंद करने के बाद हम ये काजू के टुकड़े कर लिए थे हमने, ये काजू के टुकड़े डाल रहे हैं। ये इनको भी हम थोड़ा सा भून लेंगे। अब हमारे सब चीज थोड़ी सुनहरी हो गई है। अब इसके अंदर हम पनीर भी डाल देते हैं, हल्का सा इसको भी सुनहरा कर लेते हैं। अब ये हमारी सारी चीजें थोड़ी सी भुन गई हैं, ये हमारे चावल पूरी तरह से पक चुके हैं। अब इसे उखाड़ के ये जो हमने मसाले भुने हैं, खड़े मसाले, ये इसके अंदर पनीर, काजू सब इसके अंदर ऐड कर देते हैं। ये हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। आप भी अपने घर में बनाएंगे तो ये चावल आपको बहुत पसंद आएंगे। तो इस जब भी आप अपने घर में बनाएं तो मुझे कमेंट में लिखें कि आपको ये चावल कैसे लगे और मेरे चैनल को ज्वाइन करना। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना। ये देखिए हमारे पुलाव कितने अच्छे बने हैं। धन्यवाद। आगे मिलते हैं किसी नई चीज़ के साथ।